ओए होए 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 होए, इधर से तो डर लग रहा है भाई जान। उफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्लॉग लेट आने की वजह यह है कि आपके भाई के और थे फाइनल एग्जाम्स, और अभी अभी पेपर जो हैं कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेपर से जान छुट्टी। अभी आपका भाई आ चुका है तरबेला, और तरबेला घर में इस टाइम। आजकल जो है वैसे आपको पता है बारिशें वगैरह हो रही हैं, तो डैम में पानी काफ़ी सारा है, और स्पिलवेज भी जो है बीच में खोलते हैं वो लोग। तो अब हमारी किस्मत है, अभी हमारा वैसे प्लान है वहाँ जाने का, स्पिलवेज वगैरह विजिट करने का, और जो पावर हाउस है जहाँ पर बिजली वगैरह बनती है वो जगह विजिट करने का। आपको भी विजिट करवाएंगे। स्पिलवेज का ये है कि अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वो खुले हैं या नहीं। ये अब हमारी किस्मत है, और आपकी भी किस्मत है कि वो जाते वक्त अगर खुले हुए तो जाते वक्त आपको दिखा देंगे, अगर वो वापसी पर खुले हुए तो वापसी पर स्पिलवेज जो है वो आपको दिखाएंगे। अभी जो है नुमान एक मेरा दोस्त है, हम उसके साथ जाएंगे। अभी वो गया हुआ है पेट्रोल डलवाने के लिए गाजी, तो वो पेट्रोल डलवा के आ रहा है वापस, तो फिर इंशाल्लाह ताला निकलेंगे जब वो आ जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं, हमारे जो नुमान भाई हैं वो आ चुके हैं पेट्रोल डलवा के, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं हम लोग। ये उनके छोटे भाई हैं रियान भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे, हाँ ये हमारे नुमान भाई हैं, और इनके साथ हम जाएंगे। नुमान भाई क्या हाल है? ये तो हमारे बहुत पुराने अल्फर लाफ के भी यूट्यूबर भाई हैं हमारे। अबू भी हमारे साथ जाएंगे, सो अवैस भी जाएगा हमारे साथ। और ये रहा आपका अपना भाई, सो बैठो। इस तरह बैठो, उस तरह बैठो। एंट्री करने के लिए लिखना पड़ता है गाड़ी का नंबर, और ये नुमान भाई को अपनी गाड़ी का नंबर तक नहीं पता। ये अभी कंफर्म करके आया कि इसकी गाड़ी का नंबर क्या है। मान जी अपने गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, ये कैसे बात है? कह रहे नंबर प्लेट पे कभी इनकी नज़र ही नहीं गई यार। वो यार ये आ चुकी है फर्स्ट चेक पोस्ट। सो जो पहली चेक पोस्ट है वो हो गई है क्लियर, और ये इन्होंने खोल दिया कि आप लोग जाएं। तो बिस्मिल्लाह नज़र। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम पे जहाँ पर स्पिलवेज वगैरह होते हैं वहाँ पे, लेकिन अफसोस के साथ आपको ये हम बताने जा रहे हैं कि स्पिलवेज बंद है। स्पिलवेज यार बंद है अभी। इधर ऐसा होता है ना कि यहाँ किस्मत की बात होती है, कभी स्पिलवेज यहाँ पे खुल जाते हैं और कभी स्पिलवेज बंद होते हैं, लेकिन अभी जो है स्पिलवे बंद है। शायद हम जब वापस आएँ तो स्पिलवेज खुले हों, अगर खुले हुए तो आपको विज़िट कराएँगे। अभी आप वैसे बंद स्पिलवेज का ही वो करें, विज़िट करें। वहाँ बड़ी ठंडी है यार। सो आपको दिखाते हैं स्पिलवेज, 1 2 3। ये रहा ये बैक साइड पे सारी उस तरफ जो है डैम है, और यहाँ से पानी छोड़ते हैं एक स्पिलवेज, और दूसरा ये रहा, यहाँ से भी आता है पानी। इन लोगों से पूछते हैं क्यों वैस भाई? देखते हैं यार, वापसी भी शायद खुला हो, उम्मीद तो है। क्यों रियान भाई? मजाक हो गया हमारा है? साथ ही मजाक हो गया। हाँ, ये जहाँ से पानी निकल रहा है ये यहाँ पर एक मशीन लगेगी T5, इस प्रोजेक्ट का नाम है, और इस प्रोजेक्ट को ये इमरान खान ने इफ्तिताह की थी अगस्त में 2021 को यहाँ पर आके। वैसे आपको मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा, एक गेट जो है इस तरफ है, दूसरा गेट जो है वो इस तरफ है, ये बंद है। वैसे मैं यहाँ पर आपको वीडियो एक अटैच करके भी दिखा देता हूँ कि जब ये स्पिलवेज वगैरह ऑन होते हैं तो ये जब पानी ओवरफ्लो कर रहा होता है डैम का, तो ये जगह कैसी लगती है। अभी हमारी किस्मत, अगर वापसी पे जब हम पावर स्टेशन से जब वापस आ रहे होंगे तो तब खुले हुए तो आपको विज़िट करा दूंगा। वैसे आपको मैं वीडियो यहाँ पे जोड़ दूंगा, मेरे दोस्त वगैरह पहले भी आए थे, तो आप वैसे चेक कर लेना कि जब यहाँ से पानी ओवरफ्लो करता है यहाँ से या वहाँ से, तो ये जगह लगती कैसे। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे, क्योंकि आज गर्मी भी अच्छी भली गर्मी है यहाँ पे, तो मौसम काफ़ी गर्म है,
तो नुमान भाई ने ऊपर वो छांव में गाड़ी खड़ी किया, तो गाड़ी लेके आते हैं। सो हम चलते हैं आगे की तरफ, जो मैन डैम है ना वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ इन स्पिलवेज के उस तरफ, और जो मशहूर दीवार है रेत की दीवार के, मिट्टी की दीवार, जो पत्थर मतलब जो दीवार है जिसने डैम को रोक के रखा हुआ है, वो दीवार भी आपको हम दिखाते हैं। सो चलते हैं यहाँ से। तो नुमान भाई हेयर, बैठो जी, अच्छी भली गर्मी है। ये है यहाँ की दूसरी चेक पोस्ट, और यहाँ से भी हम निकल के इंटर हो रहे हैं अभी अंदर की तरफ। हाय 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 हाय, ये सारा डैम का पानी, मेन डैम का। ब्लू चेक कर रहे हो कितना ब्लू ब्लू है, वाह। ये सारे ये देखें लाइन में इस तरफ गेट लगे हुए हैं, और ये जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये तरबेरा का मेन डैम। हम लोग खड़े थे वो सामने खड़े थे हम लोग ये इस जगह पे जहाँ पे आपको फर्श नज़र आ रहा होगा। ये सारे स्पिलवेज के गेट हैं, और यहाँ से पानी जाता है आगे की तरफ। तो आगे चलते हैं हम लोग इस तरफ, ये सारा देखें ये है मेन डैम। ओए होए 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 होए, इधर से तो डर लग रहा है भाई जान, उफ अल्लाह। ये रहा गेट, अगर आपको नज़र आ रहा हो इधर से, इससे क्लियर आपको कोई क्या दिखाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये है पानी नज़र आ रहा है, और ये रहा सारा गेट, और यहाँ से पानी स्पिलवेज का निकल के जाता है वो आगे की तरफ, ये सारा माशाल्लाह। ये ऊपर रास्ते ही बना हुआ, तो यकीन माने यहाँ मेरे पाँव यहाँ खड़े होके खौफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ये जगह देखें कैसी जगह, ये देखें फल्ला। वो नीचे गेट है, और गेट के साथ से पानी आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की तरफ से जा रहा है। ओए ओए, यहाँ पे देखें बंदा यहाँ पे खड़ा हो तो फल्ला। ये रहा सारा जो मेन डैम है, उस तरफ देखो ताहते निगाह यार, पानी पानी क्या। इस तरफ जो मैंने आपको गेट दिखाए थे ना अभी, वो हैं उस तरफ रोड के, और ये इनकी बैक साइड है, मतलब यहाँ से पानी जाता है गेट जब ओपन होते हैं, दो तरफ स्पिलवेज का।